और आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज भी है मेरे इस व्लॉग में, तो मेरे व्लॉग को एंड तक देखें तो पता लगेगा कि वो सरप्राइज क्या है। वो हमारे लिए भी सरप्राइज है, आपके लिए भी सरप्राइज है। मेरे फेवरेट इमरान खान बेशक मेरे फेवरेट हो, लेकिन हमारे हमारे शेड्यूल के सारे लिए अपनी मत निकालना। हाँ, पापा जा रहे वैसे आगे। मैं तो आईडा पाकिस्तान सरूर सरूर। तो जी कैसे, तो प्लेन हमारा लैंड हो गया और हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पर, सुने बताएं कहाँ पहुंच गए? इस्लामाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम लोग पहुंच गए हैं जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और हमें अचानक वापस आना पड़ा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अचानक का प्लान कैसे हो गया, तो इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम पहुंच गए हैं वापस अपने मुल्क, अपनी कंट्री वापस पहुंच गए पाकिस्तान। सभी का दिल चाह रहा है कि वो भी इस पर बैठ जाए और ये ले जी बैठ गए और इनका दिल जा रहा है बस। ठीक है, ये देखिए जी, तो ये देखें जी मेरे हबीब फुल मज़े से कन्वेयर पे बैठे हुए इन्जॉय कर रहे हैं, और वहाँ पे सामान आने में थोड़ा सा टाइम था, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपना मज़े करूँ। ये हर चीज़ में कोई ना कोई फ़न, कोई ना कोई मज़े ढूंढ लेते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे थे जो कि कन्वेयर पे बैठ के मज़े कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मुझे भी ऐसे ही बैठना है, मुझे लगा फ़न करें। लेकिन ये जैसे ही गए और बैठ गए, मैंने कहा जी वेरी गुड इन्जॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। तो कल हम लोग बहुत थक गए थे एयरपोर्ट के बाद, हम लोग घर जाकर सीधा सो गए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक, मतलब होटल जाकर हम सीधा सो गए क्योंकि लाहौर की हमारी फ़्लाइट नहीं थी, इस्लामाबाद से थी, तो हम लोग होटल जाकर सो गए। और अभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठे और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और मेरे हबीब मेरे साथ है कि आप ब्रेकफास्ट करें, आपको दिखा दें। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट है, गर्मा गर्म पराठे, और ये फुल फ्राई हमारे, और ये जैम है, ब्रेड है, बटर है, और बड़े ही मज़े का नाश्ता था। खूबसूरत अंदाज में ब्रेकफास्ट करते हुए मेरे हबीब को आप देखिए ये हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ये मेरे हबी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? और आप सब ठीक ठाक हैं, तबीयत से ठीक है? हम माशाल्लाह से पाकिस्तान में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं, आपके भी साथ इंजॉय करवा रहे हैं। और यहाँ हम लोग नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज भी है मेरे इस व्लॉग में, तो मेरे व्लॉग को एंड तक देखें तो पता लगेगा कि वो सरप्राइज क्या है। वो हमारे लिए भी सरप्राइज है, आपके लिए भी सरप्राइज है जी। ये बाहर का व्यू है जहाँ पर हम बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उधर से हमें ज़बरदस्त किस्म के ये जो माउंटेन्स हैं वो नज़र आ रहे थे। और अब ये देखिए खूबसूरत रास्ता, ये इस्लामाबाद में है हम लोग और इन्जॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पे सामने पहाड़, मौसम मज़े का, वेरी गुड। और हम लोग पहुँच गए जी लंच करने के लिए, क्योंकि लंच टाइम हो गया था, तो हमें सजेशन मिली कि तंदूरी में जाएँ। तो ये देखिए जी, तंदूरी रेस्टोरेंट है और हाईली रिकमेंड है, बहुत मज़े का खाना जी। तो वेलकम बैक, और मैंने आपको बताया कि जी एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, और वो सरप्राइज़ क्या है ये ज़रा आगे आप खुद ही देखें क्या है, मैं बता नहीं रही आपको जी। तो ये है हमारा सरप्राइज़, मामा हमें रिसीव करने आई है इस्लामाबाद। तो मामा कैसा आपको लग रहा है फिर? हाँ, तो जाहिर सी बात है आप उमरा कर गए माशाल्लाह, तो लेना नहीं आना था आपको, और आपने आपके साथ ही कैप पहन ली है भाई, स्टाइल ख़राब करी कैप, मैं देखो मेरे स्टाइल तो नहीं ख़राब हो रहा। तो बस जी मामा, मेरे मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरी असिस्टेंट भी है, असिस्टेंट जो मेरी नीस है मान वो भी आई है, और उसको हम कैमरे में नहीं लेते इसलिए वैसे ही बता देते हैं आपको। हमारे साथ दो छोटे बच्चे भी अभी आओगे, वो भी दिखाते हैं। तो हमें रिसीव करने बहुत बड़ी पार्टी आई है, तो ये मामा है, मैंने कहा आपको मिलवा दो, ये हमारा सरप्राइज है जी। तो अभी हम लोग लंच करने के लिए आए हैं इस्लामाबाद के एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है जी तंदूरी, इसका नाम है, और मेरी भाभी ने रिकमेंड किया कि यहाँ से ज़रूर आप लंच करें। तो हम लोग यहाँ लंच करने के लिए आए हैं, और अभी हमने ऑर्डर किया है, अभी ऑर्डर आ रहा है, और दिखाएं मामा क्या, ये मैं आपको दिखाती हूँ मामा ने क्या पकड़ के रखा है। ये देखिए ज़रा, मामा ने ये पकड़ के रखा है कि हम यहाँ पर लंच करें जी के मामा जी, गुड हो गया। तो अभी हमने जो है वो लंच ऑर्डर किया, और क्या क्या आता है लंच में वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर ये भी बताऊँगी बाद में कि अच्छा है, टेस्ट बैड है, क्या रिकमेंड करती हूँ नहीं, ये तो खाना खाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। खाना कब तक आएगा सुने, फिर हमें लाहौर के लिए भी जाना है। खाना बस 15-10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में खाना आ जाएगा। अब मसला ये है कि रैली भी निकली हुई है, और रैली के चक्कर में ये ना हो कि हम लेट हो जाए, क्योंकि आज उसका इमरान खान की कॉल है, रैली लेबर डे की इमरान खान की है, मैंने बताया ना वो इमरान खान की कॉल है। जब निकलते हैं लाहौर से इमरान खान रैली निकाल के बैठ जाते हैं। आपको पसंद है, आपको पसंद है इमरान खान? पसंद तो है, लेकिन मैं उसको ये थोड़ी कहते हैं हम निकले तो तू भी रैली निकाल ले, वो आपके साथ ही निकल जाता आगे पीछे निकल जाकर भाई हम फिर फंस जाएंगे। पिछले ट्रिप में भी यही हुआ था, और हम जितने भी
जंगल जवानों से गुजर के हम पहुंचे थे, बहुत मुश्किल से हम निकले थे, बहुत मुश्किल से सिटीज में एंटर हुए थे, उसके पीछे गांव देहातों से घूम फिर के निकले थे। वो रास्ते कभी देखे भी नहीं थे जिन रास्तों से हम पहुंचे। चलिए हमारा कोई नहीं, आपका फेवरेट निकाल रहा है। मेरे फेवरेट इमरान खान बेशक मेरे फेवरेट हो, लेकिन हमारे हमारे शेड्यूल के सारे लिए अपनी मत निकालना। हाँ, मामा से शेड्यूल पहले पूछ लिया करो। अपना शेड्यूल हमारे शेड्यूल से अलग रखा करो प्लीज। पहले शेड्यूल आप पूछ के मूवमेंट किया। हाँ, बिल्कुल। ऐसे आप मूवमेंट करेंगे तो हमारी मामा को बहुत परेशानी हो। आप एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ। लेकिन हम भी तो है ना, आप दादा आपके सपोर्टर। हाँ, हाँ, आपके सपोर्टर। जी आपने क्या मंगवाया अपने लिए? पीना कोलाडा। पीना जिसके लिए मैं तरस रहा था। पीना को लाडा, वहाँ पे पीना को लाडा मिलता है, पर इस तरह का टेस्ट नहीं ना मिलता जो पाकिस्तान का। आपको बहुत मजे आ रहे हैं वैसे। मैं तो आई लव पाकिस्तान। सरूर सरूर। तो जी कैसा है, आप ये पीजिए। मैं जरा हेयर स्टाइल सेट कर। जी ठीक है।